नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार एनडीए में चिराग पासवान की भूमिका को लेकर अलग अलग बातें हर वक्त बाहर आते रहती हैं। कल शाम को तो यह भी अफवाह उड़ी कि अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। सुबह एक लिस्ट भी आती है जिसमें 27+1 का आंकड़ा लोजपा के लिए रखा जाता है, 27 विधानसभा + 1 यानी कि 1 विधान परिषद। अभी अभी एक वीडियो 12 जनपद से बाहर आया है, ये वीडियो देखिए। चिराग पासवान अपने पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो पार्टी के हित में होगा। सुनिए। हम लोग एकदम तैयार है पूरी मजबूती के साथ। साउंड रिकॉर्ड में पार्टी के हित में होगा, पार्टी बढ़ेगी जो भी फैसला हम लेंगे, बस हमको इतना पता है। आपके हर फैसले पर पार्टी खड़ा है। आपके आदेश का इंतजार है, जो आदेश कर दीजिए सब लोग, सारे लोग खड़े। जो लिया वही आगे। पापा हर बार यही बोलते हैं ना हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी का है और आखिर में व्यक्तिगत है। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं, इस बार जो भी निर्णय पार्टी के लिए, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। यही साजिश। सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है। तो सुना आपने चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हो पार्टी के हित में ही होगा। पिता रामविलास पासवान की बात भी याद दिलाई और कहा कि ये पार्टी मेरी माँ है। उनके नेताओं ने, विधायकों ने उनकी इस बात का समर्थन भी किया, मगर समर्थन वो किस बात के लिए मांग रहे हैं? क्या वो आगे एनडीए से राह बदलने वाले हैं या फिर एनडीए के भीतर ही सीटों को लेकर के प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं? चुनाव नज़दीक है, कल से नॉमिनेशन की तिथि भी शुरू हो जाएगी फर्स्ट फेज के लिए, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी चाहते हैं कि सीटों को लेकर के जल्दी से सहमति बन जाए। आम राय की बात करें तो लोजपा एनडीए से बाहर जाएगी ऐसा लगता नहीं है। एक एग्जाम्पल लोग ये भी देते हैं कि 12 जनपद का जो बंगला अभी तक सुरक्षित है, चाहे सरकार एनडीए की हो या यूपीए की हो, वो केंद्र की मोदी सरकार को और इतनी पावरफुल सरकार को कभी आंख नहीं दिखाएगी, कभी उससे बैर नहीं करेगी, कभी उससे अलग नहीं जाएंगे। महागठबंधन में क्या सिचुएशन है, तेजस्वी से क्या बातचीत है, क्या सहमति है, ये सब तो आगे पता लगेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली हैं, मांझी वापस एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, जेडीयू के साथ चले गए हैं। अब चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ कंटिन्यू करते हैं या बाहर आते हैं, महागठबंधन में जाते हैं या कांग्रेस से कुछ और बात हो रही है, इन सब कयासों पर अभी मुहर लगना, विराम लगना बाकी है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे, हर खबर हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।